आवारगी में बन गया दीवाना। मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 133 कासगंज से पीलीभीत पैसेंजर अपने निर्धारित समय दोपहर के 3:20 पर प्लेटफॉर्म। मैं जो भी पूछूं फटाफट जवाब देना। ओके सर, बताओ हमारा राष्ट्र पशु कौन है? फटाफट। क्या मतलब फटाफट? अबे पागल हो गया है क्या? फटाफट मार खाना चाहता है? फटाफट। अच्छा तो अब तू ले फटाफट। बेटा बताओ, नदी के बीचों बीच एक आम का पेड़ लगा है, उस पे से तुम आम कैसे तोड़ोगे? सिंपल है सर, सीढ़ी लगा के। नदी के बीच सीढ़ी तेरा बाप लाएगा? नदी के बीच में आम का पेड़ तेरा बाप लगाएगा? हाँ तो पप्पू बताओ, लड़का और लड़की दोनों में से किस में ज्यादा सहन शक्ति होती है? सर लड़कों में है। वो कैसे? जरा सा धक्का लगते ही लड़कियाँ भैया बोल देती है, यहाँ लड़के की जान ले लो मजाल जो दीदी बोल जाए। बॉस 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 वो आ रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके okay? कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? ए तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। अब जा अब। टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। मुझे 2,000 रुपए चाहिए। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है भाई? मुझे 2,000 रुपए चाहिए भाई। अरे तुम्हारे आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। अरे यार वो 2,000 रुपए मांग रहा है। तुझे सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। तो फिर तू ही दे दे। हाय, आप यहाँ किसी गरीब को जानते हैं? तब मैं क्या मर्सिडीज में आया हूँ? मेरी क्या भैंस के आगे BMW का लोगो लगा हुआ है? मैं भी तो गरीब हूँ। हम लोग तो आलू वाला पराठा बनाते, पराठा बना के आलू निकाल लेते हैं क्योंकि पराठा तो बन गया। रात भर खांस रहा था, जा जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। क्यों, दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा? अरे बाहर निकल। ₹15 लाख, ₹20 लाख, ₹40 लाख। अरे चाचा इस खटारा में ऐसा क्या है? बेटा गाड़ी के 23 बार एक्सीडेंट हो गए, हर बार बीवी मरती है। इसकी माँ का 1 करोड़। किसके लिए काम करता है तू? इसके लिए। और तू किसका आदमी है बे? हम किसी के आदमी नहीं है, हमारी औरत नहीं है ना, अब तक शादी नहीं हुई है। आपकी नजर में अगर कोई लड़की हो... किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रतिक्षण। कल सुबह तुम्हें 5 बजे फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रहा रहे पागल? क्योंकि मैं उठता ही 9 बजे हूँ। अरे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। उनके होठ और दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर।